नमस्कार दोस्तों, आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है फेथ एंड द न्यू नॉर्मल, अर्थात विश्वास और बदलती रीत। एक बार ऐसे हुआ कि एक आदमी को कोरोना इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया, तो उसके जो कुटुंबिया थे वो तो दूसरे जगह पे रहने के लिए चले गए तुरंत। उनका एक पड़ोसी था जो रोज फोन पे उनको उनकी पूछताछ करता था, उन्हें एनकरेज करता था, बढ़ावा देता था उनके धीर को, और फिर उन्हें जो आवश्यक चीजें हैं वो भी उनके घर तक, दरवाजे तक छोड़कर आता था। लेकिन दो फ्लैट्स की किचन विंडोज बिल्कुल आमने सामने थी, लेकिन एक भी दिन, मतलब 15 दिनों तक ये किचन विंडो जो है ये इस पड़ोसी ने बंद रखी। ये सब देख रही थी उसकी माँ, पड़ोसी की माँ। वो बोली कि ऐसी बीमारी मैंने पहली बार देखी है मेरी जिंदगी में, और ये जो डिसीज है, ये जो बीमारी है, इसकी तो कुछ अलग ही रीत है। ध्यान दें, रीत जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है। काफी टाइम ऐसे होता है कि पुरानी रीतें ही फैशन बन के नए सिरे से हमारे जीवन में आती है, और विश्व के विविध भूभागों में वहां के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रीति अनुसरण रीतियों का अनुसरण किया जाता है। तो रीतियों का प्रयोजन क्या है, रीत का प्रयोजन क्या है कि समाज में, मनुष्यों में जो वाद विवाद है, संघर्ष है, कुतूहल, हिंसा इत्यादि मर्यादित रहे, यही रीति का प्रयोजन है। और रीत जो होती है ये साधारण मनुष्य के लिए और साधारण परिस्थिति के लिए बनी जाती है या फिर बनाई गई है, लेकिन ये रीत के पीछे जो विचार है वो जाने बिना अगर कोई कर्म हो रहा है तो वो हो जाता है कर्मकांड, वो हो जाता है रूढ़ी, और वो हो जाता है प्रथा। रीत और प्रथा दोनों में अंतर है। रीत जो होती है वो नदी की तरह होती है, प्रवाही, सर्वसमावेशक और निरभिमानी। लेकिन रूढ़ी जो होती है वो एक तालाब की तरह जिद्दी, आग्रही, संकुचित और गर्विष्ठ, मतलब घमंडी रहती है, जिन्हें अलौकिक प्रतिभा शक्ति या फिर वैचारिक प्रगल्भता प्राप्त हुई है। ऐसे असामान्य व्यक्ति ही केवल रूढ़ी को तोड़ सकते हैं। जैसे शबरी ने श्री राम जी को झूठा बेर खिलाया और उन्होंने प्रथा तोड़ी, लेकिन उन्होंने कौन से विचार को बल दिया कि काया, वाचा और मन से और अभिमान रहित होकर जो सेवा होती है वही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ये दास्यत्व है, और श्री राम के ऐसे दास को कोई भी भय नहीं रहता। सुदामा ने, वो कृष्ण के मित्र थे, उन्होंने अपने मित्र को पोहे का उपहार दिया और उन्होंने भी रूढ़ी जो है उसे तोड़ा, लेकिन उन्होंने कौन से विचार को बल दिया? उन्होंने इस विचार को बल दिया कि किसी के मुख पर हंसी और दिल में खुशी निर्माण करना, यही है समाधान, और ऐसी समाधानी व्यक्ति ही असल में धनवान होती है। महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने रूढ़ी तोड़ी, उन्होंने भैंस के मुख से वेद पढ़ाए, लेकिन उन्होंने कौन से विचार को बल दिया?
उन्होंने इस विचार को बल दिया कि विद्यार्जन का अधिकार हर मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य जन्म की विशेषता है बुद्धि। लेकिन मात्र मनुष्य ने बुद्धि को मन और अहंकार के बीच का राम सेतु बनाना चाहिए। भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठितार स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका मीनिंग ऐसा है, अर्थात रीति बाह्य आचरण मतलब मृत्यु समय यातना को निमंत्रण देना ही है। अभी मनुष्य अपनी बुद्धि की वजह से, चतुराई से, इसका अर्थ ऐसे लगा सकता है, भगवत गीता में भी वर्ण भेद का पुरस्कार किया है और वो वाद विवाद इसमें पढ़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ जानने के लिए, सही मायने में जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रीत क्या है, धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। सो जीवन जीने की जो पद्धत है, जीने की जो रीत है, वो है धर्म। स्वधर्म माने विश्वास, परधर्म माने अविश्वास। इतना ये सिंपल और सहज तत्व ज्ञान है जो कि गीता में है। जिस धर्म में विश्वास का सामर्थ्य हो वो धर्म अमर है, और जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति विश्वास है वो व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास रूढ़ी तोड़ने का, प्रथा तोड़ने का सामर्थ्य है। आज कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरे जगत में असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। सो इस असाधारण परिस्थिति में रीत बदलना ये तो क्रम प्राप्त है, लेकिन क्या ये रीति योग्य है अयोग्य है ये जानना, उसके ऊपर विचार करना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत आवश्यक है अपने दिल में विश्वास जागृत करना, ये पर्याप्त है आज की घड़ी में। विश्वास का कैसे है कि वो झट से जागृत होता है लेकिन उतने ही झट से मिट भी जाता है। जैसे कि रेकी सीखते हुए, मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, दीक्षा लेते हुए, मन को, आपके मन को स्थिरता प्राप्त होती है, शांतता प्राप्त होती है, ये अनुभव आपको आता है। लेकिन अकेले में ध्यान करने का निश्चय मात्र होता ही नहीं है और निश्चय पाला नहीं जाता है। फेलोशिप ऑफ द फ्लूट का इसीलिए प्रयोजन है दिल में विश्वास जागृत करना, विश्वास को विकसित करना और विश्वास को अडिग करना। अभी विश्वास को विकसित करना मतलब क्या करना है, तो संपूर्ण विचार के बाद जो कर्म होता है वो भी दोषयुक्त होता है ये जाने, और ये जानकर कॉन्शियसली औरों से, अन्य व्यक्तियों से कोई अपेक्षा न रखे, पजेसिवनेस छोड़ दे, ममत्व छोड़े, गृहित धरना छोड़े और खुद में, खुद के कर्मों में जो दोष है उन्हें कम कम करते जाने की कोशिश जारी रखे, खुद में इंप्रूवमेंट का स्कोप ढूंढे। एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। एक विद्यार्थी है जो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, अभी तो उनके ऑनलाइन ट्यूशंस क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन ये केवल लॉगिन करता है, वीडियो तो ऑफ होता है, आवाज भी म्यूट ही रहती है। तो ये विद्यार्थी और अनेक साइट्स पे संचार करता रहता है, ऐसे उनके पेरेंट्स की तकरार है, माता पिता की तकरार है और परेशानी है। उन्होंने उसे बोला कि 2-3 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा। इस
परिस्थिति में जितने भी माता पिता हैं उन सबके लिए मेरी सलाह है कि मैं गलत रास्ते पर हूं, गलत मार्ग पर हूं, ये जानने के लिए आपके बच्चे को, उस व्यक्ति को समय दें। आप आपका कर्तव्य करें, उसको योग्य दिशा दिखाएं, लेकिन आपकी जिद छोड़ें, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए आप नाराज न होना, आप उसे धमकाइएगा नहीं। और जैसे आप बोल रहे हो कि उसके 2-3 साल के बाद उसे गलती का एहसास होगा, लेकिन समय चला गया होगा, तो आप सोचिए कि 2-3 साल के बाद उसे जो प्रामाणिक पश्चाताप होगा वो उसे इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेके जाएगा, और जिंदगी का फोकस क्या है ये उसे समझ में आएगा, और 41 की उम्र में इंट्रोस्पेक्शन विरुद्ध 21 की उम्र में इंट्रोस्पेक्शन, इन दो परिस्थितियों में किस परिस्थिति में समय जायर होगा, इस पर आप ध्यान दें, आप इस पर विचार करें। विश्वास को अडिग करना मतलब क्या करना है? तो प्राप्त परिस्थिति में सदैव मनुष्य का कल्याण अपेक्षित है ये जाने, और ये जानते हुए कॉन्शियसली परिस्थिति को नियंत्रण से बाहर रखे, परिस्थिति को नियंत्रित न रखे, विश्व के नियंता पे विश्वास रखे, विश्व के नियंता के अस्तित्व पर विश्वास रखे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा। एक 70 साल के पिता है, उन्हें कोरोना इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ, वो आइसोलेशन में गए। 2-3 दिन के बाद उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्हें एडमिट किया। 2-3 दिन के बाद उनके लक्षण और भी गंभीर हुए, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। वेंटिलेटर पे शिफ्ट होने के बाद इस पुत्र ने मुझे फोन किया और बोला, मैम कुछ तो मिरेकल होना चाहिए, और अगर ऐसा मिरेकल हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया, तो मैं कुछ भी अर्पण करने के लिए तैयार हूं। उनकी अपेक्षा के अनुसार मिरेकल होगा, लेकिन आप ये सोचे कि अगर चमत्कार हो भी गया और हो गया, तो क्या यह पुत्र अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरण में अर्पण करेगा? क्या इसके मन में विश्वास जागृत होगा? वो अड़िग रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर विश्व की योजना पर ही साशंकता है, कृष्ण के अस्तित्व पर ही शंका है। आज जिन रुग्णों के लक्षण गंभीर है उन्हें हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, रिश्तेदार दोस्त मिल नहीं सकते हैं, और ये रिश्तेदार दोस्त यानी कि हम क्या करते हैं, घर में बैठते हैं और टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। पेशेंट बेड के लिए दर बदर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल ही नहीं है, बहुत भयानक परिस्थिति है, डेथ रेट बढ़ गया है, सब जगह पे, सब विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। ये सब अविश्वास के, निराशा के विचार है, और ये अविश्वास आपके दिल में घर बना लेता है, और ऑलरेडी जो दिल चिंता से भरा हुआ है, चिंतित है, वो भयग्रस्त हो जाता है। सो न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए? क्या चिंता, भयग्रस्तता, ये न्यू नॉर्मल होना चाहिए? न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए? विश्वास, विश्व के नियंता पे विश्वास, कृष्ण के अस्तित्व पे विश्वास। एक दाम्पत्य ने अपने बेटे का विवाह बड़े ठाट से किया, लेकिन स्नेही जो थे वो केवल थे 50। दाम्पत्य थोड़े नाराज थे, क्योंकि
थर्ड बार देखने के लिए प्रेक्षक ही नहीं है, सिर्फ नहीं अप्रत्यक्ष इन्हें मिलने की इच्छा, ये अयोग्य नहीं है। लेकिन उत्सव में सबके बिना मजा नहीं आता है, इसी समारंभ में सभी ने रहना है, उपस्थित रहना है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर देना है। ये सब इम्पेशंस है, ये सब उतावलेपन के विचार है, और इम्पेशंस जो है आपके कर्मों के दोष बढ़ाता है। तो न्यू नॉर्मल क्या होना चाहिए? तो कॉन्शियसली जिम्मेदारी उठाए, जिम्मेदार कर्म करे, मतलब संयम, निर्धार, ये होने हैं न्यू नॉर्मल। लॉकडाउन से आज तक मोस्टली व्यक्ति किसी काम के बिना घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत से लोग घर से ही काम कर रहे हैं। इसलिए नो इस परिस्थिति की वजह से कुटुंब के साथ समय बिताने का अवसर मिला सभी को, लेकिन कुटुंब के हर सदस्य को स्पेस चाहिए होती है, और ये स्पेस का अभाव निर्माण हुआ है, और इसलिए कुटुंबों में, कुछ फैमिलीज में जो संघर्ष था वो परमोच्च बिंदु पर पहुंच चुका है, और एक्चुअली कोल्ड वॉर शुरू है। ऐसे ही परिस्थिति में फंसा हुआ एक युवक, उसका स्वागत है कि स्पेस पाने के लिए अभी कट्टा, जिसे बोलते हैं हम मित्रों का अड्डा, ये तो अभी बाद हो गया है, लेकिन मंदिर भी बंद हो गए हैं जहां पर जाके हम आराम से बैठ सकते हैं। सिर्फ मंदिर में विश्वास जागृत होता है, ये सच है, मंदिर खुलने चाहिए, ये भी सच है, लेकिन आप इस पर सोचे, आप इस पर विचार करें कि इससे पहले जब भी आप मंदिर गए हो तभी आपने क्या किया है? आपने फूल चढ़ाए और व्यथाएं बताई, अभिषेक का प्रयोजन किया, और आपकी इच्छाएं जो है वो भगवान को बताई, आपने शांत की, और इच्छा पूर्ति का जैसे आपने यज्ञ बना लिया है। सो इच्छा पूर्ति यही हम करते आए हैं आज तक मंदिर में जाकर। तो न्यू नॉर्मल क्या होना है? कि मुझे केवल मंदिर में जाकर मूर्ति को देखना, मेरी इच्छाओं को पूरी करना, इतना ही मेरा प्रयोजन नहीं है, तो मुझे भगवान को जानने की आस है। इस विचार को मन में आपको प्रबल करना है, ये होना चाहिए न्यू नॉर्मल। और इसके लिए ध्यान आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हॉबीज होते हैं ना, छंद होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ छंद कौन सा होता है? तो वो होता है ध्यान, क्योंकि इसमें किसी वस्तु की, व्यक्ति की जरूरत नहीं है, जैसे कि मंदिर हो, क्रीड़ा गृह, प्रेक्षा गृह, प्रेक्षक, किसी की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप होते हो, और सर्व सूक्ष्म लेकिन विश्व व्यापक कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो हमेशा हाजिर होते हैं आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। अगर आपने देखा तो न्यू नॉर्मल क्या है, तो अगर देखेंगे हम आज समाज में, आज बाहर, तो दुख, वेदना, क्रोध, आक्रोश, शोक, ये न्यू नॉर्मल है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन न्यू नॉर्मल क्या होने चाहिए? विश्वास, संयम, निर्धार, ध्यान, निष्ठा। अगर आपके हृदय में विश्वास है तो ये न्यू नॉर्मल्स को दृढ़ करना, ये आप कर सकते हो, इसका सामर्थ्य आपके पास है। ये अनन्य साधारण मौका आज आपको उपलब्ध हुआ है,
उसका लाभ उठाए, आपका धर्म बदले, स्वधर्म जाने, कृष्ण को जाने, विश्वास को अडिग करे। क्योंकि हर युग में विश्वास यही रीत है, विश्वास यही न्यू नॉर्मल है। सो इस विश्वास को अडिग करे और दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने, भयग्रस्त नहीं निर्भय बने, असामान्य नहीं असामान्य बने। और इस रास्ते पर जब आप चल रहे हो, कृष्ण आप पर कृपा करेंगे और इसका एहसास आपको होगा। ये वचन मैं आपको देती हूँ। इसी इसमें मुझे मतलब आज जो परिस्थिति है उसको देखकर मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अप्रैल महीने में एक इंडियन नेवल सर्विसेज में काम करने वाले इंजीनियर जो है वो मेरे पास ईएनटी पेशेंट करके आए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि इस पैंडेमिक में भी आपने आपका काम चालू रखा है, सो आपके काम को सैल्यूट करता हूँ। मैं तो केवल मेरा कर्म कर रही थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि इच्छा मरण का आशीर्वाद जिन्हें था, ऐसे दो व्यक्तियां मुझे ज्ञात है, एक है हिरण्यकश्यपु और दूसरे है देवव्रत। हिरण्यकश्यपु ने मुझे किस तरह मरना नहीं है ये चूज किया, देवव्रत अर्थात भीष्माचार्य ने मुझे कैसे मरना है और किसके हाथ मरना है ये चूज किया। उन्होंने रणांगण में कर्म करते हुए, धर्म का स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु को पाना, और वो भी अर्जुन जैसे मुमुक्षु व्यक्ति के हाथों मरण प्राप्त हो, ये चूज किया। सो ये जो चॉइस है ये आपके हाथ में है कि आपको देवव्रत बनना है या हिरण्यकश्यपु। और ये सोचने की भी बात है कि क्या मैं देवव्रत की मार्ग पर हूं या हिरण्यकश्यपु के मार्ग पर हूं।